कचरे वाला एवरीवन कम अंगनी साहब, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे। मेरी तबीयत अचानक से ना कल इतनी भयंकर ख़राब हो गई ना, कल मैं पूरे दिन भर सो रही थी, बहुत बुरी हालत हो गई। परसों क्या रीवा रात को है ना, वहाँ पे मतलब हमारी कॉलोनी में बच्चे का बर्थडे था, तो मेरी अटांड में ना रूम की उसमें ना गिफ्ट रखे हैं रीवा के बर्थडे के, तो वो उतार रही थी, एकदम से टेबल गिर गई तो मैं उसके ऊपर वैसे गिर गई। तो इससे बहुत मतलब लूज मोशंस, वॉमिटिंग, पूरी बॉडी में पेन, इतनी बुरी हालत हो गई ना। और परसों वैसे मैं ना डॉक्टर को दिखाने भी गई थी, डॉक्टर ने टेस्ट वेस्ट लिखे थे, तो कल तो मैं पूरे दिन भर जा ही नहीं पाई हॉस्पिटल। बट हमारे रिलेटिव हैं जो हॉस्पिटल में ही है बना, वो आज मेरा टेस्ट मतलब ब्लड टेस्ट लेने के लिए आएंगे। मतलब ये वैसे तो 5 जांचें लिखी थी डॉक्टर ने, बट टेस्ट में मतलब उन्होंने बोला कि एक ही ब्लड से सारी जांचें हो जाएगी, तो अभी आएंगे सुबह सुबह। बना रही मम्मी के लिए चाय, अब थोड़ी बहुत ठीक है, बट है ना पेट को मैंने ना मम्मी ने ना मेरे ना लुगड़ी से बांध रखा है, पेट तो बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। हे भगवान, मुझे तो लग रहा है मेरी कुंडली दिखानी पड़ेगी, पता नहीं कौन सा सन्नी सा लग रहा है मेरे, मतलब कभी क्या कोई ना कोई बीमारी होती रहती है। तो चलो कचरे वाला हमारा घर ना इतना फैला हुआ रहता है रीवा के खिलौनों से, जगह जगह रीवा के खिलौने पड़े रहते हैं, उठाने में कम से कम 1 घंटा लग जाता है उनको। शोरूम देखना, हमारी ये शैतान हुई आजकल, तो देखना ओ हो गिर जाएगा रीवा, गिर जाएगा, अब उतरा नहीं जा रहा ना, उतरो नीचे, उतरो जल्दी, उतरो गंदा बाबू, रीवा इधर आओ। चलना पड़ेगा अंदर तो अत्ता सा कौन हो जाए, जाचा तो ज्यादा लिखोड़ी है। तो बस कोई काम वाम करके अब बस नहाने की तैयारी है। टेस्ट वेस्ट हो ही गए मेरे सारे के सारे, अब देखो रिपोर्ट कब तक आती है, या तो शाम तक आई जाएगी और या फिर कल आएगी। भाई मुझे ना मतलब और सब कुछ करा ले, सुई से तो मुझे इतना डर लगता है, इंजेक्शन से मैं तो हालत ख़राब हो जाती हूँ इसके नाम से ही, चाहे दर्द हो चाहे मत हो। रीवा के टाइम पे भी इतने इंजेक्शन लगे थे फिर भी मेरा डर नहीं खुला, पूरा दिन भर रोती रहती है मेरे। अब बस नहाई धोई करेंगे, क्योंकि कल भी मैं नहीं नहाई थी, पूरा दिन लेटी हुई थी, भयंकर हालत ख़राब हो गई थी, तो अब तो नहाई लेती हूँ मैं, तो इतनी बुरी स्मेल आ रही है मेरे अंदर पसीने की। तो ये आ गया मेरा सूट लैरिए का, दादे मम्मी अच्छा नहीं लग रहा ये सूट, कितना सुंदर लग रहा है ना। तो ये सूट मैंने रीवा बुटीक से ही मंगवाया, रीवा के नाम से मैंने इंस्टाग्राम पे है मेरे, तो वहीं से मंगवाया। तो ये है इसकी ओढ़नी, एकदम बारीक बंदेज है इसके ऊपर, तो ये देखो लंबी पूरी इसकी ओढ़नी है, बीच में भी वर्क है इसमें, देखो पतंग का है ना, ऐसे थोड़ी पसंद करती हूँ मैं। और भी कई कलर्स है इसके अंदर,
ना पूरा में है, और ये इसका लहंगा। अभी सूट की क्या काफी डिमांड चल रही है, ग्रीन कलर भी बहुत चल रहा है, मगर मैं क्या ग्रीन पहनती नहीं हूँ। तो ये रिवा बूटीक के सूट, अगर आप भी परचेज करना चाहते हैं तो मैं रिवा बूटीक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। बहुत सारे लहरिए की डिजाइन आई हुई है। अभी टाइमिंग हो चुका है 4:30। मम्मी को अभी जस्ट चाय बना के दी है मैंने। ये देखो मेरे आँख के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए बहुत ही ज़्यादा, और उमस तो बहकूंगी खाना जिसमें बनाऊंगी सब्जी में दाल, क्योंकि सारी सब्जियां ना इतनी महंगी हो रही है ना अभी कुछ दिनों से। टमाटर तो भाई 100 रुपये किलो हो रहे हैं, इसलिए टमाटर तो बहुत ही कम डालती हूँ, डालना तो पड़ता है। देखो चाहे महंगा हो चाहे सस्ता हो, सब्जियों में तो मेरा टमाटर जो जो डलता है वो तो डलेगा ही, तो दाल बेस्ट है। तो मैं दाल है ना हमेशा कैसे बनाती हूँ, कुकर के अंदर ही छौंक लगा के चढ़ा देती हूँ, 5 मिनट में दाल बन जाती है। फिर क्या होता है कि उबालो, फिर अलग से फ्राई करो, बहुत लफड़ा रहता है, उसी में फ्राई करके फटाफटी बन जाती है। कोई गेस्ट भी आया ना तो फटाफट एक तरफ वो चढ़ा दो, एक तरफ सब्जी और एक दूसरी बना लो, तो मेरी दाल बन गई। अब मम्मी को क्या ऊपर, आज हमारे बिल्कुल आटा ख़त्म हो गया, टाइम ही नहीं मिलता पीसना करने का, तो मम्मी ऊपर कर रहे हैं तो मैं भी जा रही हूँ पीसना साफ़ करवाने। आटा लगा ही दिया, अब रोटी थोड़ी बाद में बनाएंगे, रीवा भाई सा है नहीं घर पे तो थोड़ी हेल्प करवा ही देती हूँ। तो अब मौसम इतना अच्छा हो रहा है, ऊपर हवा चल रही है शानदार वाली, नीचे तो वो की वही उमस, इसलिए मज़ा आ रहा है पीसना करने में। ये मम्मी बैठे हैं, मामी सा भी हमें देख देख है ना पीसना करने के लिए आ गए। मन देख मामी सा देख रहे थे, मामी से कदरे मामी सा देखो दे तो मामी सा देख रहे आए हैं। अच्छा यही समझ लो, चलो हम आपको देख के आ गए। वो पढ़ाकू बे पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, हमारी बातें सुन रहे हो। हाँ बजाओ भाई बजाओ, जाकर जाकर बजाना पड़ा। कॉक्सा पिट्टी कर देंगे, कैसे करते हैं कॉक्सा पिट्टी, कॉक्सा पिट्टी कैसे करते हैं? लगी नहीं, ऐसे नहीं देना, लग जाए मान। रसोई को ना खुद को तो मंडे नहीं है पापा ने, उन्होंने सारी गेला कर पापा ने, मन मन गए कर पापा।